ये वर्ड सुनकर हम सबके दिमाग में कुछ पर्टिकुलर टैक्स के नाम याद आ जाते हैं, जैसे इनकम टैक्स, रोड टैक्स, हाउसिंग टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स वगैरह वगैरह। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही पिक्यूलियर टैक्स के बारे में, जिसका नाम है रेन टैक्स, जिसको अब से कनाडा में लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। हमको जिंदा मत छोड़ो साला। जी हाँ, कनाडा में अगले महीने से एक अलग ही टैक्स लगाने की तैयारी चल रही है, और ये टैक्स है बारिश पर टैक्स। बिल्कुल ठीक सुना है आपने, रेन टैक्स। हर देश के सिटीजन उन चीजों पर टैक्स तो देते हैं जिसकी वो खरीदारी करते हैं या उनका इस्तेमाल करते हैं, पर बारिश का टैक्स भरने जैसी चीज का नाम शायद आपने पहली बार ही सुना होगा। बेचारे कनेडियंस, वैसे ही पानी पर ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं और अब बारिश पर भी। आइए अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। सो कनाडा के टोरंटो में अब से लोगों को बारिश पर भी टैक्स देना होगा, जिसका अनाउंसमेंट उनकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पर हो चुका है। क्रेजी राइट? दरअसल टोरंटो और पूरे कनाडा में स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ी समस्या है। पिछली बारिश में कनाडा के ऑटोवा में सड़कों पर काफी पानी भर गया था, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना तक मुश्किल हो गया था। ऐसी ही मुसीबत से निपटने के लिए स्टॉर्म ड्रेनेज बनाया गया है। दरअसल ये कनाडा का एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। यहाँ पर इतनी बारिश होती है कि एक वक्त के बाद वहाँ की जमीन और जो पेड़ पौधे हैं ना, वो भी इसका पानी नहीं सोख पाते हैं। एंड एज अ रिजल्ट सारे के सारे कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स, जैसे कि सड़कें, फुटपाथ, कार पार्किंग, मकान या कोर्टयार्ड या फिर बैकयार्ड जैसी जगहों पर पानी बहने लगता है और वहाँ पर वाटर लॉगिंग हो जाती है। और यही वजह है कि एक वक्त के बाद पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम्स भी इसको ब्लॉक नहीं कर पाते हैं और ये पानी घरों तक में घुसने लगता है। अब इसी सब परेशानी से निपटने के लिए वहां स्टॉर्म ड्रेनेज बनाया गया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो स्टॉर्म वाटर को मैनेज करता है। ये लगभग हर देश के पास होता है। अब कनाडा में क्योंकि बारिश के साथ साथ भारी बर्फबारी भी होती है, तो वहां पर रन ऑफ जैसी समस्या काफी ज्यादा होती है। आपको बता दें कि रन ऑफ तब दिखता है जब जमीन की पानी सोखने की कैपेसिटी से ज्यादा पानी बरस जाए। रन ऑफ की वजह से ना सिर्फ सड़कें और घर खराब होते हैं, पर पीने के पानी की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। अब जाहिर है इन सबसे निपटने के लिए सरकार को ऐसा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा जिसमें आम जनता की परेशानियां कम हो। ऐसे में कोई भी नया सिस्टम लगाने के लिए सरकार को पैसों की जरूरत पड़ेगी, जिसको ध्यान में रखते हुए अब टोरंटो अथॉरिटी ने स्टॉर्म वाटर चार्ज एंड वाटर सर्विस चार्ज कंसल्टेशन की बात की है, जिसे सरकार रेजिडेंशियल बिल्डिंग से लेकर रेस्टोरेंट जैसी सब जगहों पर लगाने वाला है। हालांकि इसको लेकर बवाल भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके का टैक्स रहेगा। जहां पर ज्यादा इमारतें हैं वहां के कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स, पार्किंग लॉट्स और ड्राइववे जैसी जगहें भी काउंट होंगी, लिहाजा टैक्स ज्यादा होगा। और कम आबादी वाली जगहों पर टैक्स कम, क्योंकि वहां का रन ऑफ भी कम ही होगा। अब लोग इस पर भड़के हुए इसलिए हैं क्योंकि वैसे भी कनाडा में पर्सनल टैक्स काफी ज्यादा है। इनफैक्ट कनाडा दुनिया के सबसे ज्यादा पर्सनल टैक्स लगाने वाले देशों में से एक है, और उसके ऊपर से इस टैक्स से रिलेटेड कई बातें अभी तक क्लियर नहीं है, जैसे किराए वाले घरों में रहने वाले या बेघर लोगों के लिए क्या रूल्स है। इसके अलावा भी कनाडा अपने अजीबोगरीब टैक्सेस के चलते सुर्खियों में रहता ही है, तो ऐसे में लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है, जो अब वहां के लोग सोशल मीडिया के थ्रू निकाल रहे हैं। आपका क्या सोचना है इस बारे में, ये सही है या गलत? वैसे तो ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है दुनिया में अजीबोगरीब टैक्सेस का। इससे पहले भी दुनिया भर के कई अजीबोगरीब टैक्सेस ऐसे हैं जिन्होंने आपका ध्यान अपनी तरफ खींचा होगा। आपको पता है यूएसए के स्टेट मैरीलैंड में पानी के एक्सेस यूज ना हो, इसके लिए नंबर ऑफ फ्लशेस पर भी टैक्स लगता है। और सुनिए, चीन में साल 2009 में इन्फ्लेशन के दौरान सिगरेट ना पीने पर टैक्स लगता था। फ्रांस में फेसबुक, गूगल और डिग पर आने वाले ऑनलाइन एड्स टैक्सेबल होते हैं। डेनमार्क और आयरलैंड समेत यूरोपियन यूनियन के कई देशों में कई किसानों को प्रति गाय $110 टैक्स देना पड़ता है। पता है किस लिए? गायों की बॉडी से निकलने वाले डकार और गैस के लिए। रीजनिंग ये है कि गाय की जो बॉडी है उसमें से निकलने वाली गैस में होता है हाई लेवल ऑफ मीथेन, और इसे नाम दिया गया है काउ फ्लैटुलेंस टैक्स। है ना कमाल की दुनिया, यहाँ ऊटपटांग चीजें होती ही रहती है। खैर, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए आप जरूर देखते रहिएगा श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।